एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है, एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूरदेव क्लिप्स में आप देख सकोगे, तो देखो। 1700s में कोई फिश को जापान के लोग पैडी फील्ड्स में, राइस पैडी फील्ड्स में ग्रो करते थे। क्यों ग्रो करते थे? प्रोबेबली फॉर फूड। आई टेल यू व्हाई, उसका एक कनेक्शन भी है। हमारा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में एक ट्राइब्स है, वो ट्राइबल्स ना आज भी आज के डेट में छोटे छोटे कोई फिश लेके आते हैं और राइस पैडी फील्ड में छोड़ देते हैं, और जब फिश बड़ा होता है तो वो हार्वेस्ट के टाइम या कोई भी टाइम खाने के लिए यूज करते हैं। तो शायद जापानीज लोग भी वही करते होंगे, बट धीरे धीरे उसका कलर वगैरह देख के एक हॉबी डेवलप हुआ कि हम ये फिश ग्रो कर सकते हैं, बहुत कलरफुल है, बहुत यूनिक है। एंड उसके साथ एक सुपरस्टिशन भी जुड़ा कि अगर ये कलर का कोई फिश आप रखते हो, जैसे रेड कलर का रख लिया तो देन प्रॉस्पेरिटी है, गोल्ड कलर का लगा तो हेल्थ है या पैसा है, सो मेनी अदर थिंग्स, तो उसके साथ वो भी जुड़ा। एंड जापान में कोई फिश का जो हॉबी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ हॉबी, एंड बहुत सारे लोग ब्रीडर्स वगैरह वो डेवलप होने लगे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उनके सोसाइटी के लिए। एंड ये कोई फिश रखना वहां से शुरू हुआ, एंड बाकी देशों में, बाकी कंट्रीज में वो वहां से निकला। आज भी सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉन्ड्स इन जापान, अगर आप देखोगे बड़े बड़े गार्डन्स में, उन सब में बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल कोई फिश होंगे। बहुत सारे अमीर लोग कोई फिश रखते हैं, एक स्टेटस सिंबल के तौर पे माना जाता है, नॉट जस्ट इन जापान, पूरे दुनिया में। अरब के शेख्स रखते हैं, हमारे श्रीलंकन क्रिकेटर लसित मलिंगा, उनका फेवरेट हॉबी है कोई फिश रखना, उनका फेवरेट हॉबी है, तो एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कोई फिश रखना। वियतनाम में एक बहुत ही सुंदर सा कोई फिश का कैफे है जहां पे आप खाना भी खा सकते हैं, बच्चे कोई फिश के साथ खेल भी सकते हैं, एंड ऑफकोर्स ये एक सीखने का मौका भी हो गया ना। ऑल जापान कोई फिश शो जो होता है वहां पे, बिकॉज इतने सारे ब्रीडर्स वगैरह है तो जजिंग होता है, विजिटर्स आते हैं, पॉइंट्स देते हैं कि कौन सा फिश का बहुत ब्यूटीफुल कलर है, ये सब देखा जाता है एंड उसके हिसाब से प्राइस दिया जाता है, एंड बहुत लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं, तो एक एक तरीके का पागलपन समझो कोई फिश रखना। आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस है हमारे इस चैनल में, सो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो, एंड ऑफ कोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा पूरा मजा लो। ओके, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।